What's up everyone? Welcome back to the channel. तो last class में हम लोगों ने partnership के accounts में P&L appropriation और capital account के बारे में पढ़ा था. आज के वीडियो में भी हम कैपिटल अकाउंट को देखेंगे, बट कैपिटल अकाउंट कितने टाइप्स के हो सकते हैं, किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, वो सब हम आज की इस क्लास में कवर करने वाले हैं. तो बिना समय को व्यर्थ करे हुए आइए जल्दी से शुरू करते हैं और आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करवाते हैं. चलिए लेट्स बिगिन. अभी मेरे साथ साथ हेडिंग डाल के चलना. कैपिटल्स कितनी टाइप की कैपिटल्स हो सकती है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. फ्लक्चुएटिंग अगर हो तो एक ही अकाउंट बनता है ना. तो कैपिटल्स हमारे पास दो तरीके की हो सकती है. एक होती है अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग हो, और दूसरी होती है अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हो. तो कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग भी हो सकती हैं, कैपिटल्स फिक्स्ड भी हो सकती हैं. अगर फ्लक्चुएटिंग हो तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट. और कैपिटल का नेचर क्या है, मैंने आपको नेचर बताया था. क्रेडिट में इंक्रीज होता है और डेबिट में डिक्रीज होता है. फॉर्मेट हम लोगों ने लास्ट पार्ट में अच्छे से सीखा था सारा का सारा. अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में मैं शो कर दूंगा, आपके पास आ रहा होगा, आप चेक कर लो. अब अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हो, ये हमें आज सीखना है. अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हो तो हम दो अकाउंट्स बनाते हैं. हम दो अकाउंट्स बनाएंगे. सबसे पहले कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट. सर हमें कैसे पता चलेगा कि कैपिटल्स फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप फ्लक्चुएटिंग मान के चलोगे. मतलब यार देखो, अगर क्वेश्चन ही साइलेंट है तो हम दो दो अकाउंट की सिरदर्दी क्यों लें? क्वेश्चन साइलेंट है तो हम फ्लक्चुएटिंग मान के चलेंगे. अगर क्वेश्चन को हमारे से दो अकाउंट्स बनवाने होंगे तो क्वेश्चन खुद बताएगा कि कैपिटल्स को फिक्स्ड अज्यूम करना है. ठीक है, अब अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो किस किस तरीके से बनेंगे, क्या क्या फॉर्मेट है? अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो कैपिटल अकाउंट में तो यार कुछ खास जाना ही नहीं है. मान लो कि दो पार्टनर्स हैं, तीन है, तो आप तीसरा कॉलम भी बना सकते हो. ठीक है, पर्टिकुलर्स ए बी. सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सबसे पहले आप यहां पे बैलेंस लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है, आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया. उसके बाद कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल बना रहे हैं. कैपिटल अकाउंट में अगर कैपिटल फिक्स्ड रखी गई है, फिक्स का मतलब है कि हम कैपिटल को चेंज नहीं करना चाहते. फिक्स का मतलब क्या होता है, हम नहीं चाहते कि प्रॉफिट का, इंटरेस्ट का, सैलरी का, कैपिटल के ऊपर कोई भी इंपैक्ट आए. तो अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस और कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड आएगा. कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड का जो आपने इंट्रोड्यूस करा है, ये क्या है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. सर ये तो जो हमने कल कैपिटल अकाउंट बनाया था उसमें भी आता था. हाँ उसमें भी आता था, लेकिन उसमें और भी तो चीजें आती थी ना. अभी और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस और कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. इधर कैपिटल विड्रॉन, अगर कैपिटल विड्रॉ कर लिया गया, कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉन आ जाएगा और सिंपली हम बैलेंस निकाल देंगे. बस डायरेक्टली आप बैलेंस निकाल दो, टू बैलेंस कैरिड डाउन और अकाउंट क्लोज्ड. अकाउंट हमने क्लोज कर दिया. तो अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो आप दो अकाउंट बनाओगे. पहला कैपिटल अकाउंट जिसमें कि ये आपका ओपनिंग बैलेंस है. ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है. सिर्फ दो चीजें आपको याद रखनी है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड क्योंकि इधर कैपिटल बढ़ता है, और कैपिटल विड्रॉन. बस और क्लोजिंग कैसे निकालोगे, ये दो प्लस करके ये माइनस कर दो, ये दो प्लस करके ये माइनस कर दो, बैलेंस निकल जाएगा. तो कैपिटल में सिर्फ इतना सा हिस्सा आएगा. सर फिर करंट अकाउंट में क्या आएगा, जितनी चीजें बच गई
बहुत सारी चीज़ें बच गई ना अभी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस वगैरह, वो सब करंट अकाउंट में आएंगे। तो करंट का फॉर्मेट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो कैपिटल का, लिए नोट डाउन करा तो बहुत अच्छा। अब चलते हैं करंट अकाउंट पे। वही दो पार्टनर्स मान लेते हैं, ए और बी, और अब हम बना रहे हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओनली इफ इट इज गिवन। करंट अकाउंट के कई बार बैलेंस नहीं दिए होते, नहीं दिए हुए तो आप छोड़ देंगे, सिर्फ अगर बैलेंस गिवन है तो हम लिखेंगे। करंट अकाउंट के अगर बैलेंस दिए मैं तो लिखूंगा। इसके बाद मैं और क्या क्या लिखूंगा, शुरुआत होगी सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जितनी भी चीज़ें डेबिट में आ रही थी वो सब इधर आ जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन, उसके बाद आपका जो प्रॉफिट आया था, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट साइड में सर ड्रॉइंग्स ये मत भूलना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हम यूजुअली भूल जाते हैं तो इसको भूलना नहीं है। ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब चीज़ें वो हैं जो डायरेक्टली कैपिटल से रिलेटेड नहीं है, ये हम अलग से कमाते हैं या अलग से पे करते हैं। तो हमने क्या करा, इनको अलग घर में रख दिया यानी करंट अकाउंट में, और कैपिटल को अपने घर में रख दिया यानी कैपिटल अकाउंट में। समझ गए? अभी क्या करना है, बस बैलेंस निकाल दो, करंट अकाउंट का बैलेंस निकाल दो। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ओपनिंग बैलेंस भी कई बार गिवन नहीं होगा, अगर नहीं गिवन है तो घबराना नहीं है, बाकी सारी चीजें लिख दो, ठीक है? चलिए ये हमारा करंट अकाउंट हो गया। अब देखो इस तरीके से ये हमारा करंट अकाउंट है, और आप जितनी जितनी चीज़ें हैं, आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये हम काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में इस तरीके से नोट डाउन करते हैं, ठीक है? मतलब कि आपने जो कल कैपिटल अकाउंट बनाया था उसी को दो पार्ट्स में तोड़ा है। देखो उसमें आप अगर अपनी नोट्स वाली कॉपी खोलोगे तो ये प्लस ये सब क्रेडिट में आया था, और ये प्लस ये सब डेबिट में आया था। अभी बस कैपिटल अलग कर दो और बाकी सारी चीज़ें अलग कर दो, उसका घर का नाम रख दो करंट अकाउंट। तो करंट में अलग चीज़ें चली गई और कैपिटल में अलग चीज़ें चली गई। आई होप आपको कैपिटल और करंट के बेसिक्स अभी समझ में आए होंगे कि अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो किस तरीके से काम करना है, हमें करंट अकाउंट वाली आइटम्स अलग रखनी है, हमें कैपिटल अकाउंट वाली आइटम अलग रखनी है, ठीक है जी? ये हमारा कुछ बेसिक्स हो जाते हैं। अभी छोटी छोटी चीज़ें कुछ और हैं जो आपके लिए यूजफुल हैं, अब हम उनकी तरफ चलते हैं। अब हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो आपको और समझना है, और फिर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, कॉन्सेप्ट हमारे ख़त्म। कौन सा है? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स वर्सेस appropriation out of profits, charge against profits versus appropriation out of profits। अब हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे सर हमने interest on capital के बारे में पढ़ा है कि firm को देना पड़ता है, partner की salary के बारे में पढ़ा है कि हमें partner की salary भी देनी पड़ती है। Similarly हम लोगों ने, अगर मैं आपको बात करूं कि रेंट की, अगर हम बात करें कि फर्म की जो बिल्डिंग है वो रेंट पे है तो फर्म को रेंट भी पे करना पड़ेगा, या फिर अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन लोन वो भी आपको देना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो किसी भी बिज़नेस के लिए खर्चे होते हैं, किसी भी बिज़नेस के लिए, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है, पार्टनर की सैलरी, रेंट ऑफ द बिल्डिंग, या अगर लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट, तो इस तरीके के कुछ खर्चे हैं। अब आपको ये समझना है कि हम हर आइटम को दो तरीके से देख सकते हैं, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स और एक होता है अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। सर चार्ज और अप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है? सुनो, जो चार्ज वाली चीजें हैं ना, ये जो चार्ज वाली चीजें हैं, ये आपके वो एक्सपेंसेस हैं
जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले माइनस होंगे। सर प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले माइनस होंगे मतलब कि जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट आता है जितना कमाया उसमें से खर्चे हटा दो। वो जो खर्चे होते हैं ना उनको हम चार्ज बोलते हैं, प्रॉफिट से पहले के खर्चे। फिर जब प्रॉफिट आ जाता है तो प्रॉफिट आने के बाद हम प्रॉफिट को बांटते हैं, प्रॉफिट बांटने के लिए आप P&L अप्रोप्रिएशन बनाते हो। तो वो चीजें जो प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद में डिस्ट्रीब्यूट होंगी उनको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये क्या है, वो आइटम्स, थोड़ा हिंदी इंग्लिश चलेगा ना क्योंकि अपना जो रिलेशन है, अपना जो लिंक है वो लैंग्वेज का नहीं है, समझने का है, अंडरस्टैंडिंग, राइट। मेरा मोटिव है कि मैं आपको एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से समझाऊं, ठीक है। वो आइटम्स जो प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद उसमें से दी जाएंगी, वो चीजें जो प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें से दी जाएगी। तो चार्ज क्या है, चार्ज वो खर्चे हैं जो आप प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले लिखोगे ताकि सही प्रॉफिट निकल सके, और अप्रोप्रिएशन वो है जो प्रॉफिट में से बांटा जाएगा। देखो नाम ही है, अप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूशन, और चार्ज जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले, ठीक है। पहली चीज तो ये, दूसरी चीज चार्ज वाली आइटम्स नेसेसरी होती हैं, देनी ही पड़ती हैं, नेसेसरी टू बी पेड। आपके पास पैसा है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, आपको ये हमेशा देनी पड़ेगी। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, तो यार मैं काम करूँ या ना करूँ, मैं कमाऊँ या ना कमाऊँ, मुझे रेंट देना ही है। मैं मना नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कह सकता भाई साहब इस महीने तो बिल्डिंग खोली नहीं, बिजनेस ही नहीं हुआ तो इस महीने रेंट मत लो। वो कहेंगे अच्छा बेटे चालाक बन रहे हो, रेंट तो देना पड़ेगा। मैंने अगर लोन लिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना पड़ेगा, उनको फर्क नहीं पड़ता आपके पास पैसे हैं या नहीं है, कहीं से ला के दो दो, समझ रहे हो। तो पता होना चाहिए कि ये चीज नेसेसरी टू बी पेड है। ये कब देनी है, ओनली प्रोवाइडेड इफ देयर आर प्रॉफिट्स, सिर्फ तब देनी है अगर प्रॉफिट्स हैं। प्रॉफिट्स हैं तो दो, प्रॉफिट्स नहीं है तो इग्नोर कर दो। प्रॉफिट होंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सर जैसे इसमें ऐसे क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी तो फर्म देगा जब फर्म के पास प्रॉफिट होगा। हम P&L अप्रोप्रिएशन जब बनाते हैं तो P&L अप्रोप्रिएशन में सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट लिखते हैं जो प्रॉफिट P&L से आता है। फिर इस प्रॉफिट में से इधर IOC, पार्टनर का सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व, है ना। तो ये सारी चीजें तभी बनेंगी अगर ये प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट ही ना हो फिर कहां से देंगे। तो ये सारी अप्रोप्रिएशन वाली चीजें हैं, IOC हो गया, पार्टनर का सैलरी हो गया, पार्टनर का सैलरी, बोनस, कमीशन, कोई रिजर्व बनाना है, तो ये सब अप्रोप्रिएशन वाली चीजें होती हैं, क्योंकि ये तभी होंगी अगर प्रॉफिट होंगे। प्रॉफिट नहीं है तो कहां से देंगे भाई पैसा, देंगे ही नहीं, राइट। और चार्ज वाली आइटम कौन सी होती है, चार्ज वाली आइटम जैसे कि रेंट ऑफ द बिल्डिंग, आपको देना ही देना है, पैसा अगर नहीं भी है तो घर से लेके आओ, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे मैनेजर का कमीशन। मैनेजर बोलेगा भाई मुझे क्या मतलब है, मैं तो मैनेजर हूं, मेरा पैसा चाहिए मुझे। तो ये वाली चीजें जो होती हैं ये चार्ज होती हैं, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जितनी भी चार्ज वाली चीजें हैं वो डेबिटेड टू P&L अकाउंट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी जाती है ये, ठीक है। और जो अप्रोप्रिएशन वाली चीजें होती हैं वो डेबिटेड टू P&L अप्रोप्रिएशन होती हैं। देखो ये हमने P&L अप्रोप्रिएशन में लिखी थी ना ये सारी चीजें डेबिट में, और चार्ज वाली आइटम्स P&L में डेबिट करी जाएगी। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मुझे आपको समझाना था, इसके नोट्स और बना लो आप लोग। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर रहे होंगे क्वेश्चंस P&L अप्रोप्रिएशन, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और
चार्ज वर्सेस अप्रोप्रिएशन के भी, तो आपकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम रिवाइज भी हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे से चीज़ें कर पाओगे। आई होप आपको वीडियोस मदद कर रही होंगी और सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एक एक करके वन ऑन वन क्लैरिटी के साथ हो रहे होंगे। स्टिल अगर आपको कोई और प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन, हम उसका सॉल्यूशन भी जल्दी ही निकाल देंगे। टिल देन अच्छे से सारा रिविजन करो, अगली क्लास में मुझे क्वेश्चंस कराने हैं तो आप सारी पिछली दो वीडियोस भी 1, 2, 3 तीनों वीडियोस मैं आप लास्ट में भी शो कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दे दूंगा, सारे चेक कर लेना और अच्छे से रिविजन करके रखना ताकि हम आगे पढ़ पाएँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, बाय बाय।